तो इनसे चाबी लेते हैं और जाके देखते हैं स्टीयरिंग किस तरह का है। तो भाई चाबी ग्राम स्टीयरिंग देखते हैं। अभी फिलहाल हमारे जहन में एक फनकारी आई है, हमने वो करनी है। यार पीछे से पता नहीं कोई बंदा आ गया मोटरसाइकिल वाले मार गए हैं। अहमद अहमद भाई अपनी फुल पावर दिखाते हुए पार छटी आई इसी तरह उतरता है भाई। थोड़ा ध्यान से यार, थोड़ा ध्यान से। ओ पेंसिल नहीं यार, देखो यार की यार कितनी होती है। ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। खैर यहाँ पे कोई नम मौसम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि मल्ले में साथ के चल रहा काम और गाड़ी आगे जा नहीं सकती। उसने मेरे से तरला मार गया भाई, मतलब दो मिनट सामने दो मिनट तक खिलौना पैना है। तो तुम्हें पता है पाकिस्तान वाले हम तो दो मिनट किस तरह के होंगे ने यार। दिस इज रोंग ब्रो, दिस इज रोंग, वेरी रोंग। इंतहा हो गई इंतजार की, कोई खबर ना मिली बिजली वाले दी। ओ यस है, ओ यस है, फाइनली नी थले ले रहे हूं साइड पे। ब्रदर कैसे हो, कैसी लग रही है हमारी गाड़ी आपको? गाड़ी लग रही है यार, ये आपने क्या किया यार? सही हो गया बब्बू, काम हो गया सबसे पहला काम ब्रो। ये लो आप ही अपनी चास पूरी करो। इधर आओ, दोस्तों वाला सेक्शन बनाया हमने। ये हमारा हुकूमत वाला सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप वजीर आजम बनना चाहते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी की प्रमोशन करना चाहते हो तो आपने बोनट पे लिखना है, और अगर आप दोस्त हो हमारे तो आपने इस साइड पे लिखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी लिख या यूट्यूब की लिख, ताकि लोग सब्सक्राइब करें जाके, फायदा भी हो हमें। चौधरी साथ, ये है ब्रो हमारा यूट्यूब चैनल, आपने करना है जाके सब्सक्राइब जल्दी से। अब जरा आप आओ, मैं आपको बिठाता हूँ भाई गाड़ी में। जी तो बॉयज एंड गर्ल्स की हाल चाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम फिट फाट जबरदस्त है। तो यार आज की अपडेट कुछ ऐसी है कि साथ साहब ने ना हमें फोर्स किया है, और दिल तो मतलब मेरा माइंड नहीं था उस चीज की तरफ, बट साथ ने मुझे कहा कि भाई तू मेरे साथ आ, मैं तुझे ये काम करवा के देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले काम बड़े महंगे होते हैं, बट साथ कह रहा है कि उसकी समझ लो अपनी ही शॉप है, उसका कोई दोस्त है और वो बड़े प्यार मोहब्बत में हमें करके देगा। तो हम लोग चलते हैं उसकी दुकान विजिट करते हैं आज, और आप लोगों को भी चेक करवाएंगे। और साथ को आप देखो किधर बैठा हुआ है और क्यों बैठा हुआ है। साथ साथ इस तरह भी बैठा हुआ है यार, नीचे मैं आप आए हो ऐसे ही था मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आऊंगा बाद में। हम लोगों ने असल में यार सीट कोशिश वगैरह जो है ना होने के लिए दे दिया। मे भी आप लोग पिछले ब्लॉग में वो देख के आ जाओ, या इसी ब्लॉग में ऐड करूंगा। सीट हम लोगों ने निकलवा के दे दी है अपनी कोशिश करने के लिए, और पप्पू किस्म की कोशिश होके आएगी जो कि इंटीरियर के साथ जाएगी। तो ऑब्वियसली आप लोग गैस कर सकते हो कि कौन से कलर की इस बार कोशिश होगी। पहले रेड थी क्योंकि रेड थीम था, तो इस बार हमारा थीम कौन सा है पता ही है आपको। उसी हिसाब से हमने स्टेयरिंग भी अपना नया बनवा लिया है, हमारी रूफ भी हमने दोबारा पेंट करवाई है। वो तुमने वो ब्लॉग देखा है, रूफ मैंने दोबारा पेंट कराई है। पहले इससे ये पिलर से ना छत हल्की थी, पिलर से डार्क हो गया, तो वो बड़ी मजे का सीन बन गया। जस आ रही है, मैं कहता तो पूरी जस आ रही है, वाइब आ रही है। और यही वो जगह ना जिधर तूने शूट करवा के दिया था, यहाँ पे मेरी और साथ की गाड़ी का भाई साहब शूट की वीडियो पिक्चर्स बल्कि पिक्चर्स अपलोडेड है। तो अगर वो देखनी है तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 50,000 हो गया। इधर उधर हम लोग 19,000 पे फंसे हुए हैं, तो कुछ करो ब्रो, करो ताड़ी मेहरबानी जाके करो। हमजा भाई के पास ठीक है, यहाँ पे इनकी गाड़ी डिटेल वगैरह होनी थी सारी, तो हम इनके पास आ गए हैं। सुनाओ हमजा भाई क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह। अच्छा यार हमजा भाई की जो गाड़ी थी ना पिछले व्लॉग में आपको बताया था, स्टीयरिंग की भी एक स्कीम है ठीक है, तो वो जिन्होंने देखा उनको तो पता होगा। अब इन्होंने नया स्टीयरिंग मंगवाया ठीक है, वो इन्होंने लगवा लिया आज डेवो से उठा के, इन्होंने गाड़ी में लगवा लिया। तो इनसे चाबी लेते हैं और जाके देखते हैं स्टीयरिंग किस तरह का है। तो हमजा भाई चाबी ग्राम स्टीयरिंग देखते हैं, बैठे हैं मत इधर, चलो मैं स्टीयरिंग देखते हैं इनका किस तरह का है। कुछ आपसे हम भी कोई टेक्सचर चेंज करेंगे अपना। तो बॉयज आपको चेक करवाते हैं इनका स्टीयरिंग, और ये मैं और साथ हैं हम, फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारे जहन में एक आई है फनकारी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, वो हमने हमजा भाई की गाड़ी के साथ करनी है। सबसे पहले आप स्टीयरिंग का टेक्सचर चेक करें, ये स्टीयरिंग है। एक मिनट मैं वाइड एंगल मार लूँ,
ये है जी हमजा भाई का स्टीयरिंग, हमजा भाई ने इस दफा करवाया फौज कार्बन, ठीक है। और ये हुआ हुआ है ओवरले, और उसके अलावा हमजा भाई ने यहाँ पे पिछली दफा हमजा भाई का हुआ हुआ था वो अलकंटारा वेलवेट हुआ था, इस दफा उन्होंने ये मेरे वाला ही करवा लिया, ये भी काफी अच्छा है, ठीक है। और फौज कार्बन है, ठीक है सारा। बाकी ये दरमियान वाला जो पैड है वो इंशाल्लाह हमने अभी जाके लगवाना है। अभी फिलहाल हमारे जहन में एक फनकारी आई है, हमने वो करनी है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप, हमजा भाई ने गाड़ी के ऊपर सारे नाम वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख दे, इधर वाली साइड पे हुकूमत के बारे में लिखा है, इधर वाली साइड पे ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर इन्होंने स्कीम चलाई हुई है। और इधर वाली साइड पे ये सारे पता नहीं किस किस के नाम लिखे हैं, ये मेरा भी लिखा हुआ है, मस्त रोया, काफ़ी ज़्यादा नाम लिखे हैं। हमें तो गाड़ी लग रही है बहुत बुरी, लेकिन हमजा भाई कह रहे हैं कि इसी तरह मैंने चलानी है, थोड़ी देर गाड़ी सही लग रही है। हमने अब यहाँ से निकलना है और जाके हमजा भाई की गाड़ी का रैप शैप उतार के हमने आ जाना, हमने कहना हेलो फड़ो भाई, फिर तो उनको सारा तारना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं, हमने उनसे चाबी मांगी है स्टीयरिंग देखने के लिए, तो हम यहाँ से निकलते हैं, आगे जाके हमने गाड़ी का सारा रैप उतार देना है। अच्छा, और हमजा भाई को कहना है जी अब चलाओ इसको इस तरह, ठीक है, जब आधा रैप उतर जाएगा फिर तो उसने चलानी नहीं इस तरह, ठीक है समझिया, फिर उनको मजबूरन सारा रैप उतारना पड़ेगा। अच्छा, और साथ बात सुन, मैंने क्या सोचा है, हमने जाके सारा रैप उतार देना, इतना बुरा लग रहा है, ऊपर से हमजा भाई कह रहे हैं कि मैंने इसी तरह चलाना है कुछ देर। यार मैंने भी यही सोचा हुआ है, हम जाते हैं वहाँ पे आगे, इनसे मैंने स्टीयरिंग के लिए चाबी मांगी थी, तू गाड़ी चला, हम जाके रैप वगैरह सारा इसका आधा उतार देते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम कहेंगे भाई ये लो पकड़ो चलाओ इसे, फिर मजबूरन है चुप कर पे कुत्ते नहीं खाता, फिर इसको मजबूरन सारा तारना पड़ेगा। चल आ निकलते हैं। तो बॉयज अब इधर आए थे हम वो गुज्जर लड़के के घर, तो हम उनके घर आए थे, हम मंदिर गए हैं, जरा पानी वगैरह पीने, तो यहाँ पे यार बच्चे थे छोटे से, उन्होंने भाई गाड़ी मार लगा के चले गए, मतलब मोटरसाइकिल पे थे ये देखें काफी ज्यादा वो मार गए, ऊपर से बच्चे थे, फिर हमने जाने दिया छोड़ दिया, नुकसान तो काफी ज्यादा बम्पर का कर गया, डेंट वगैरह भी पड़ गए यहाँ फेंडर पे। अब हमने जब हमजा भाई को बताना कि बच्चों ने किया, उन्होंने मानना नहीं, उन्होंने आगे से कहना नहीं तुसी मार के लेके आए, क्योंकि अहमद भाई आपने ही मारी है। ओ भाई नहीं, मैं कहा मारी है यार, वो तो बच्चे क्या कहते हैं थे वो चला लगे, ओए तार दे रैप करते हैं, प्रैंक जो हमने करना है हमजा भाई के साथ प्रैंक करते ताकि सारा रैप उतार दे। हम आगे जाके बोनट से तारते हैं, रैप सारा हम तार हैं, देखते हैं हमजा भाई का रिएक्शन जाके क्या होता है, कहीं केला ही ना खा जाए। बंपर या फेंडर भी तार दो, बंपर तार दो, अहमद अहमद भाई ने भाई अपनी पावर दिखाई है, डोले अहमद भाई चेक कराओ जरा वहां को, ये देखे भाई सब बंपर ही सारा तार दिया यार। अभी हमजा भाई ये वीडियो देखेगा, वीडियो इसकी भी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अहमद भाई से गाड़ी भी लागी है, गाड़ी मैंने लगाई, बच्चे लगा यार, बच्चे हम अंदर बैठ के ना पी रहे थे गुजर से बोतल, अली गुजर कह रहा है आप ना मुझे गार्ड ना करो, मुझे फुल प्रोटोकॉल दो यार, मैंने कहा ओके अली भाई ने मेरी सेवा, अहमद भाई अपनी फुल पावर दिखाते हुए पार छटी आई, इसी तरह उतरता है भाई, थोड़ा ध्यान से यार, थोड़ा ध्यान से प्यार ओए भाई, उसको तो पता ही नहीं उसका रैप उतर रहा है, उसने तो हम कर रहे हैं प्रैंक, उस बंदे को पता ही नहीं है। ये अहमद भाई जैसे तार है, मुझे लग रहा है दरवाजे साथ आने में भाई हौसला थोड़ा और आराम से यार। तो जी हाँ भाई, रैप वगैरह हमने तार दिया अच्छा खासा, बैठा चले, और अब गाड़ी ड्राइव करूंगा मैं, पहले इसने मार दी है, ये देखे हमने थोड़ा बहुत उतारना था, ठीक है,
बम्पर शंपर बोनट फेंडर काफी कुछ हमने तार दिया है। देखें देखते हैं अब उनका जाके क्या रिएक्शन होता है। सलाद खैर यार बाहर आओ सरप्राइज लेके आए ना मेरे के लिए सरप्राइज है यार। हां भाई बावे डॉल पेन वाले आए हुए ना ये इनका अपना तल्ला है पता नहीं वो पेंसिल ओ नहीं यार ये नहीं सी लाना यार फिर क्या लाई यार ये चलानी सी लोगों ने सहन किए ने यार उते यार साथ की कर देते यार यार ये तो नहीं सी लाना यार बावे पेंस यार तुसी अगे आख्या मैं तां गाड़ी लाके पर मुझसे नहीं लगी यार ओद कितनी लगी है यार पेंसिल ये आपको मतलब आप हमारी टीम आपके संभाल के गाड़ी जा रही है जितने आपके गाड़ी संभाल यार पे है ना बड़ा डेंट आ गया यार गाड़ी का यार चंगा बंदा मैं तेनु आखिया के साथ नु गाड़ी ना दे तो आप ही मार देती है गाड़ी और मैंने नहीं साथ ने मारी है मैं तो हां ले कह रहे तू मारी है बच्चों ने मारी है यार उधर खड़ी नहीं कर रही यार ड्रामे कर रहे हो यार भैं देखो यार की यार छोटे बच्चियां ने डंड यार किदा पा देवा डंड ते वेख यार मोटरसाइकिल लगी है यार इधर आ गए यार फजूल च की बेड़ा घर कर देता यार यार घर हो गया यार बहुत बुरा दिन जा रहा है आगे स्प्लिटर टूट गया है अब गाड़ी मार के ले आए हैं पता नहीं की करना चाह रहे ने यार रैप भी लाता है यार बारे काम तो चंगा को नहीं किया यार पर इससे मुझे क्या कहते हैं तुमने स्क्रैपिंग कोटिंग कर दी यार ये गलत है कल ही है ये मैं स्पॉइलर लाया सी मैं क्या रैप दे नाल अच्छा जा रहे है ऐ बंदा नहीं जे ठीक है यार ऐ बंदा बहुत खराब है ये मनन नु राजी नहीं है तू सब ऐ कह रहे अन्ने मारी है कह रहे अन्ने मारी है यार एक सेकंड तू हुन चुप रही गाड़ी किस तरह ठुकी है यार ड्रामे कर रहे हो ऐ कह रहे बच्चिया ने मारी है तू यार वेखो पेंसिल है पूरा डेंट यार इतना ही सही अंदर चले गया यार यार पर वाम ने इतने दिल से लिखा हुआ था और तूने उतार दिया मैं पागल हूं इन चलावा इना मैं खुद उतार दिया रैप उतार दें यार फिर चलो मैं आया सी के जनाब इंटीरियर डिटेल करेंगे इन्होंने बाहर वाला चक्कर भी मैंने पा दिया भाई साहब क्या हालात हो गए हैं यार गाड़ी के यार आप लोगों को जरा वॉक अराउंड देता हूँ जो हमारी बैक लाइट्स हैं हम लोगों ने उतार दी हैं जनाब ट्रंक में हमारा काफी सारा सामान पड़ा है स्पॉइलर उतार के रख दिया है नंबर प्लेट और छोटी मोटी काफी चीजें पड़ी हैं